टू, फिर बी थ्री, बी बी वन जिप्सम वन, सी फोर, सी फोर एंड डी थ्री. ये ए मत लिखना, ये लिख लेना सो दैट इमीडिएटली पता लग जाएगा कि ए बी सी डी वाले कौन से हैं. जिप्सम हाँ बी थ्री एंड डी वन राइट बाय दिस. इज इट क्लियर? समझ आया? अब देखो आगे मैं आपको एमसीक्यूज पूछती हूँ, ठीक है? आपको इस बार आना है दो चैप्टर्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड अरे इस बार रिवीजन टेस्ट में फालतू की चीजें पूछते हैं. चलो एक सेकंड एक सेकंड, कंबस्टन रिएक्शंस फटाफट से आंसर देना जरा. एमसीक्यू, कंबस्टन रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक, एमसीक्यू नहीं सॉरी असर्शन रीजन, कंबस्टन रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक. आपको चैप्टर कौन कौन से आने इस पर? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड एसिड बेस सॉल्ट. रुको फिर फर्स्ट सेकंड रिवीजन टेस्ट में है ना. एक सेकंड बेटा, फर्स्ट हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड. This is assertion. हमने हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करी थी when we are doing with the nitric acid. Which exceptions were there? Magnesium and manganese. दो exception थी जहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी या रिएक्शन हुई थी नाइट्रिक एसिड के साथ. अदरवाइज नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन पे हाइड्रोजन गैस डू नॉट इवॉल्व. रीजन क्या करा था हमने? Because nitric acid is a strong oxidizing agent. अब ये आपको assertion थी, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड. बिल्कुल सही है. देन रीजन, नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बोथ आर ट्रू एंड दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. दूसरी बात मेरे ध्यान से सुनो, व्हेन असर्शन रीजन क्वेश्चन विल बी देयर इन द एग्जाम, इन दैट केस प्लीज सी द सी एंड द डी ऑप्शन केयरफुल. क्योंकि व्हेन वी आर डूइंग प्रैक्टिस मतलब यू कैन से द डिफरेंट बुक्स ऑल्सो, तो सी एंड डी वेरी करते समटाइम. जैसे पहली असर्शन रीजन में होता है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. दूसरा होता है असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. थर्ड, असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स. फोर्थ, असर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू. लेकिन ये वेरी करा हुआ है कुछ बुक्स में, वहां लिखते थे कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स. ध्यान से पढ़ लेना थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन. सेकेंड क्वेश्चन, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, सुन लो बच्चे, हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन. हाईली मेटल कौन से हमारे पास? सोडियम पोटेशियम. हाउ वी विल सेपरेट इट आउट? बायपासिंग, दैट मीन्स इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है. दिस इज ट्रू राइट. एंड इन रीजन सुनो, इन द इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेटल इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड. प्रीक्षित आंसर दे, नो वन विल स्पीक. फर्स्ट आई एम सेइंग हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन. सही है कि नहीं? नहीं क्यों? क्यों सक्षम इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेटल इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड.
मेटल क्या है? सोडियम. पॉजिटिव. कहां जाएंगे? रिडक्शन. मेटल इज डिपोजिटेड एट द कैथोड. हाँ, क्या आंसर है? रीजन एंड असर्शन आर बोथ आर. आपने क्यों दिया कि नॉट करेक्ट एंड नॉट कर? कौन सी होती है कैथोड और एनोड में? पॉजिटिव. मैं वेट कर रही हूँ इसको आंसर देने दे. आई एम वेटिंग बच्चे. मेटल क्या है? कहाँ जाएगा? किसकी तरफ अट्रैक्ट होएगा? आगे हैं. जिंक ऑक्साइड इज AA. जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड. ओके. और कौन सा एम्फोटेरिक करा था हमने? रीजन है जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ बोथ एसिड एंड बेसिस. क्या आंसर है? बोथ आर करेक्ट. नेक्स्ट है जिंक कैन इजीली डिस्प्लेस कॉपर ऑन रिएक्टिंग विथ. जिंक कैन इजीली डिस्प्लेस कॉपर ऑन रिएक्टिंग विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. करता है जिंक? ठीक है. रीजन है कॉपर इज मोर रिएक्टिव मेटल देन जिंक. रीजन इज फॉल्स. असर्शन इज ट्रू. रीजन इज फॉल्स. ठीक है. सी ऑप्शन. अगर आता कि जिंक इज मोर जिंक रिएक्टिव ज्यादा है, आंसर होता जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. वो इसीलिए उसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो दोनों ठीक थे. आगे है जिंक बिकम्स डल इन मॉइस्ट एयर. जितने भी लोएस्ट रिएक्टिव होते हैं ना मेटल्स, कॉपर जिंक आयरन, सबके ऊपर कोटिंग चढ़ जाती है. ठीक है. आप कॉपर के कॉइन्स देखो तो ग्रीन कोटिंग होती है. इवन इन द एर्थ आल्सो वी हैड रेड कॉपर कार्बोनेट कॉपर हाइड्रोक्साइड फॉर्म. सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है. जिंक के ऊपर भी आ जाती है. जिंक इज बिकम्स डल इन मॉइस्ट एयर क्योंकि वहां पे कार्बोनेट एयर्स होते हैं जो जिंक के ऊपर रिएक्ट करके जिंक कार्बोनेट लेके क्लियर बना देते हैं. रीजन दे रहा है जिंक इज कोटेड बाय अ थिन फिल्म ऑफ इट्स बेसिक कार्बोनेट इन मॉइस्ट एयर. दोनों देखो जो मॉइस्ट एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड साथ में रिएक्ट करके कार्बोनेट एयर बना देते हैं. जैसे अगर हम कॉपर रखते हैं, कॉपर का ग्लास अगर बाहर पड़ा है या कॉपर का कोई भी कॉइन है तो उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग आनी शुरू हो जाती है. इवन कॉपर रिंग्स भी जब हम पहनते हैं तो हमारे यहाँ पे ग्रीन लेयर बन जाती है. दैट इज जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसके साथ रिएक्ट करती है. ठीक है. कार्बोनेट एयर लेयर बना देती है. नेक्स्ट है ध्यान से सुनना. मैग्नीशियम क्लोराइड इज अच्छा कोवलेंट करा ली हमने. सुनो मैग्नीशियम क्लोराइड इज अ कोवलेंट कंपाउंड. एक आपको कंपाउंड कराया मैंने कौन सा? आयोनिक. आयोनिक इज द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. कोवलेंट मैंने इतना बताया था कि दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. मैग्नीशियम क्लोराइड आपने कैसे बनाया था? मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनाया है? Mg टू इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, क्लोरीन टू इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है आयोनिक बॉन्ड. रीजन कह रहा है वो मैग्नीशियम क्लोराइड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट. ट्रांसफरिंग होती है, आपने अपने आप इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और आपकी मतलब हो गया. सपोज जैसे हम इसलिए बात कर रहे हैं कि अगर मैं बात कर रहा हूँ मैग्नीशियम ये दो इलेक्ट्रॉन्स है, व्हेन इट विल लूज तो इसलिए मैग्नीशियम टू पॉजिटिव हो गया. इसकी वजह इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन थी 2A2. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन है 2A. ये कंप्लीट हो गया शेयर. और जो शेयरिंग है उसमें क्या होता है, कार्बन के पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6. ठीक है. 2, 4 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है. हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. मेरे को ये बताओ अगर हाइड्रोजन को 8 चाहिए तो क्या कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा? तो यहाँ पे क्या होता है ना, हाइड्रोजन उसको अपना दे देगा क्योंकि उसके पास 1 ही है. तो व्हेन इट नीडेड ये शेयर करते हैं.
हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया टू, सबके पास दो दो हाइड्रोजन के पास हो गए, कार्बन ने भी क्या करा शेयरिंग, हो गए 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर, यहां पे भी देखिए उसने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया, क्लोरीन ने लेके कंप्लीट कर लिया, एक लेके कंप्लीट कर लिया, दे जस्ट वांट टू कंप्लीट योर ऑक्टेट, ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। सुनिए क्वेश्चन आगे, मैग्नीशियम क्लोराइड इज अ कोवलेंट कंपाउंड, है ये कोवलेंट आयोनिक है, एंड मैग्नीशियम क्लोराइड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, मैग्नीशियम क्लोराइड कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, आयोनिक बॉन्ड की कौन सी आपने करी थी, आयोनिक बॉन्ड की चार प्रॉपर्टीज करी थी, पहली, अच्छा दोबारा रिवाइज कराती हूँ ध्यान से सुन लो, आयोनिक कंपाउंड में एक एग्जांपल अपने माइंड में रखो, प्लीज लिसन केयरफुली, सोडियम क्लोराइड, नमक, दैट इज आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, नमक आपको देखने में कैसा लगता है, क्रिस्टल, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, दैट मींस ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड इन स्टेट और क्रिस्टलाइन, ठीक है, नमक को पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं, दैट इज अ सेकंड प्रॉपर्टी, आयोनिक कंपाउंड सोल्यूबल इन वाटर बट नॉट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक वर्ड मैंने पिछली बार भी बताया था कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक, ठीक है, जिसमें आप दो एग्जाम्पल अपने माइंड में बिठा लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ग्लूकोज एंड एल्कोहल, ये दो रखो, तीसरा व्हेन सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, जब पानी में कर दिया तो उसके आयन्स क्या हो जाएंगे पानी में, तो कैन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपने वैसे भी करा हुआ है कि जब नमक डालते हैं पानी में तो इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आयन्स रिलीज होते हैं, तो थर्ड प्रॉपर्टी आयोनिक कंपाउंड की क्या हो गई, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चौथा हाई बॉइलिंग एंड हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, क्यों, सोडियम क्लोराइड सॉलिड है, दैट मींस उसके अंदर जो बॉन्ड्स हैं, जो आयन्स हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, सो मोर अमाउंट यानी कि हाई हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन देम, सो दैट्स व्हाई दे आर हैविंग द हाई मेल्टिंग एंड पॉइंट, एक ही एग्जांपल से चारों प्रॉपर्टीज अपने माइंड में रखो सो दैट यू कैन राइट डाउन, ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, क्या क्वेश्चन था हमारा, मैग्नीशियम क्लोराइड इज अ कोवलेंट कंपाउंड, मैग्नीशियम क्लोराइड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, क्योंकि वो आयोनिक है और आयोनिक की क्वालिटी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वॉटर, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वॉटर इज लेस वायलेंट एज कंपेयर टू दैट ऑफ सोडियम, इज इट राइट, बिल्कुल सही, रीजन The heat evolved is not sufficient for the hydrogen to catch fire. क्या नहीं? क्या फॉल्स? कैसे? मैंने क्या कराया था? Which metal float on the surface of the water? Which metal float on the surface of water? क्यों float करता है? That means जो hydrogen है वो stick कर जाता है. तो क्या रीजन बताया था आपको कि क्यों यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती, बच्चे नहीं सुनोगे नुकसान आपका, मैंने रीजन दिया था कैल्शियम फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एज द हाइड्रोजन स्टिक टू द कैल्शियम, स्टिक टू इट्स सरफेस, क्यों, बिकॉज कैल्शियम इज लेस रिएक्टिव, इट विल नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस एज मच, द सफिशियंट हीट जो है वहां से नहीं रिलीज होती जिसकी वजह से उसके पार्टिकल स्टिक कर जाते, समझ आया, अब assertion reason दोबारा सुनो, assertion थी reaction of calcium with water is less violent as compared to sodium, बिल्कुल सही है, reason है heat evolved is not sufficient for the hydrogen to catch fire, यही reason कराया था कि वहां से वो violent क्यों नहीं है, इसने violent के केस में कह दिया, यही question घुमा के कह दे
कि इट कैन फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वॉटर एज कम्पेयर टू द सोडियम. रीजन दे दे बिकॉज द हाइड्रोजन स्टिक. यहाँ पे उसने कहते हैं कि हीट जो है इतनी नहीं निकलती कि हाइड्रोजन कैच करे फायर, इसलिए ये लेस वॉयलेंट है. यही रीजन आपको कराया. सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. कार्बन एंड नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट विद ल्यूट एसिड एंड वॉटर. कार्बन एंड नाइट्रोजन आर मेटल्स और नॉन मेटल्स? नॉन मेटल्स की रिएक्शन करी है हमने वॉटर के साथ. अगर भूल जाए नॉन मेटल तो कार्बन कोयले को पानी के साथ रिएक्शन करते देखा है. कार्बन एंड नाइट्रोजन बोथ आर नॉन मेटल, दे डू नॉट रिएक्ट विद वॉटर एंड ल्यूट एसिड. बिल्कुल सही है. रीजन है metals do not react with dilute acids and dilute H2SO4. yani ki wo kya aaya assertion. true reason is samajh aa gaya c option. copper displaces silver from silver nitrate. copper displaces silver nitrate. ab reason hai copper is more reactive then silver. both assertion both are true. bilkul sahi. aluminium oxide and zinc oxide are acidic in nature, is it right? false. these are not acidic, these are amphoteric. yeah ha abhi main teri point pe aage ki zinc aur aluminium both are metal, so these are metallic oxides are basic in nature. अगर हम उस पॉइंट से भी देखें तो एल्यूमिनियम एंड जिंक बोथ आर मेटल्स. BMO मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. यहाँ पे वो क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर. ये तो बिल्कुल ही फॉल्स हो गई. रीजन दे रहा है एम्फोटेरिक नेचर मींस दैट सब्सटेंस हैव बोथ एसिडिक एंड बेसिक करेक्ट. असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू. समझ आ गया. Different metals have different reactivity with water and dilute acid. बिल्कुल सही. कैलोरी से लेकर नीचे तक जैसे सबके different है. Reason, reactivity of metal depends on its position in the reactivity series. समझ आया?